हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट ससी लेट इस्टार्ट टू डिस डिस्कशन अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है विच अब द फॉलोइंग इज और द लीडिंग एरियाज ऑफ कमर्शियल डेयरी फॉरिंग फार्मिंग तो लीडिंग एरियाज इनमें से कौन कौन से हैं जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए हैं तो वेस्टर्न यूरोप है साउथ अफ्रीका नहीं है न्यूजीलैंड है एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी है सो so, इसमें कौन सा पूछ रहा है करेक्ट कोड तो वन थ्री एंड फोर आंसर इज सी सी जो है वो वन करेक्ट uh, है इनमें से ओके विच अमंग ट्रॉपिकल ग्रास लैंड एंड द एरियाज आर करेक्टली मैच ट्रॉपिकल ग्रास लैंड दिया हुआ है और उसका एरिया पूछा गया है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एरिया होता है तो ये आपका जीरो डिग्री है इधर ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन ये वाला जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एरिया कहा जाता है ओके तो सवाना जो है अफ्रीका में है बिल्कुल सही है लेनोस जो है वो लेनोस वेनुजुएला में है ब्राज़ील में नहीं है तो वेनुजुएला यहाँ पे है ओके तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि वे लेनोस है वेनुजुएला में ओके और कंपास आपका कहाँ है कम्पोज होता है ये ब्राज़ील में ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि कम्पोज होता है ब्राज़ील में ये उल्टा दिया हुआ है तो ये दोनों ही गलत दिए हुए हैं तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है ओनली वन इज़ करेक्ट ओनली वन ओके विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस माल्थस की थ्योरी के लिए पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है चलिए देखते हैं ही सपोर्टेड प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ सच एज लेट मैरिज बिल्कुल इन्होंने प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ पर सच एज लेट मैरिज बिल्कुल सही ही वॉज अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल आफ्टर मैरिज हाँ बिल्कुल सही ये भी सही है इसमें इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑप्शन ओके करेक्ट ऑप्शन पूछा है ये भी सही है ही आर्गूज दैट फूड प्रोडक्शन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली वेयर ह्यूमन प्रोडक्शन पॉपुलेशन गोज इन अर्थमेटिकली देखिए जो uh, इन्होंने आर्गू किया था फूड प्रोडक्शन ओनली increase इन अर्थमेटिक इन्होंने एक्सपोनेंशियली बोल दिया है तो ये वाला गलत हो गया मतलब फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा वन टू थ्री फोर ऐसे ऐसे बढ़ेगा और जबकि पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा टू फोर एट ऐसे ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ा बढ़ता जाएगा तो ये वाला रॉन्ग हो गया ओके okay? पॉपुलेशन जो ग्रो करेगी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और फूड जो है वो अरिथमेटिक ग्रो करेगा तो ही प्रोडिक्टेड ए फ्यूचर वेन ह्यूमन वुड हैव नो रिसोर्स टू सरवाइव ऑन इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आगे फ्यूचर में ह्यूमन के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे सर्वाइव करने के लिए ओके okay. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ओनली वन एंड टू आर करेक्ट आंसर इज सी और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन मालथस जी ने लिखी थी विच अमंग इज आर करेक्ट अबाउट कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग पहले तो होता क्या है कोरल ब्लीचिंग होता है जब कोरल के फेस पे स्ट्रेस होता है बाय चेंज इन कंडीशंस सच एस लाइट न्यूट्रिएंट्स और इनका जो सिम्बायोटिक एलगी जो थेलगी होता है उनका जो टिश्यू होता है वो अफेक्ट हो जाता है और इसका आ, का, ये कास करते हैं कम्प्लीटली वाइट कर देते हैं जो कोरल रीफ होती है वो कम्प्लीटली वाइट हो जाती है इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है तो एलिनो एलिवेट्स द सी टेम्परेचर एंड डिस्ट्रॉय कोरल रीफ यस एलिनो सी टेम्परेचर को बढ़ा जाता है जिसके वजह से कोरल रीफ डिस्ट्रॉय होती है ये वाला बिल्कुल सही है इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है ओके ओवर फिशिंग पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रन ऑफ कोरल माइनिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज नियर कोरल इकोसिस्टम एडवर्सली इम्पैक्ट कोरल रीफ बिल्कुल ये ओवर फिशिंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रनऑफ कोरल माइनिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज ये सारे अफेक्ट करते हैं कोरल रीफ को सो द आंसर इज बोथ वन एंड टू विच वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू विजिट द प्लानिट जूपिटर प्लानट जूपिटर पे पहुँचने वाला फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कौन सा था इसका नाम था पायोनियर टेन पयोनियर टेन वॉज द फर्स्ट स्प्रेस क्राफ्ट टू मेक द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द प्लानट जूपिटर और ये कब हुआ था ये नाइनटीन सेवेंटी थ्री में हुआ था वॉट इज द प्रोसेस ऑफ अरेन्जमेंट ऑफ मिनरल्स इन अल्टरनेट थिन एंड थिक लेर्स कार्ड जो अरेंजमेंट होता है मिनरल्स का इन अल्टरनेट थिन एंड थिक लेयर्स इसको कहा जाता है बैंडिंग ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है ना उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कमेट सू मेकर लेवी नाइन हिट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान कमेट जो था सूमेकर लेवी नाइन इसका नाम है इसने कौन से प्लानट को हिट किया था ये प्लान था जुपिटर। कॉमेट सू मेकर लेवी नाइन ये जो कॉमेट था ये पॉर्ट इन जुलाई नाइनटीन नाइन्टी टू जुलाई नाइनटीन में ये इसके टुकड़े हो गए और ये जाके जु, जुपिटर से टकरा गया ओके? इज नॉट ए कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया कोरल रीफ इनमें इंडिया में कौन सा कोरल रीफ इनमें से नहीं है देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है मन्नार है लक्षद्वीप है ये राजा अम्पात जो है ये हमारा नहीं है सो so, इसमें नॉट पूछ रहा है आंसर इज डी डी नहीं है और राजा अमपात कोरल रीफ जो सिस्टम है ये कहाँ पे है ये है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में है ओके okay. नियामे इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज नियामे जो कैपिटल है ये नाइजर का है आंसर इज ए ओके okay. और इसका ये जो नाइजर रखा है नाइजर नदी के नाम पे रखा गया है इसको विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म ऑफ द इनर पोर्शन ऑफ मून सैडो इनर पोर्शन ऑफ मून सैडो को कहा जाता है देखिए ये है मून ये सन है ये मून है ये अर्थ है जब सन की किरणें मून पे जा रही है उसके बाद यहां पे देखिए इस सैडो बन जा रहा है इस सैडो को कहा जाता है उम्ब्रा आंसर इज ए एके

पड़ती है कि हाँ यहाँ पे मतलब चंद्र ग्रहण लगा है या सूर्य ग्रहण लगा है उसको कहा जाता है पेनुम्ब्रा ओके विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कॉमेट टू बी ऑब्जर्व बाई ए मैंड स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट कॉमेट कौन सा था जिसको मैंड स्पेस से ऑब्जर्व किया गया था तो ये था कॉमेट कोहोतेक आंसर इज ए फर्स्ट साइट किया गया था 1973 में ओके और जिसने साइट किया था उनका नाम था चेक ये चेक कहोतक थे तो इन्हीं के नाम पे इसको कॉमेट कहो रख लिया गया था और इसको ऑब्जर्व किस किस क्रू के द्वारा किया गया था इसको स्काई लैब फोर एंड सूएस के द्वारा किया गया था इसको ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज द हिंदू गॉडेस श्यामला देवी हिंदू गॉडेस श्यामला देवी के नाम पर वो हिल स्टेशन है इसका नाम है शिमला आंसर इज सी ओके इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच ऑफ़ the स्टेशन ऑफ छोटा नागपुर कौन सा हिल स्टेशन है जो रिफर किया जाता है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर तो इसको कहा जाता है नेतरहत आंसर इज ए और छोटा नागपुर इधर है झारखंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो छोटा नागपुर में आता है बाकी उड़ीसा का पार्ट बिहार का पार्ट छत्तीसगढ़ का पार्ट इस कुछ इनके कुछ पार्ट भी और ये आपका वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट छोटा नागपुर में आता है ओके और ये जो नेतर ने जो है ये झारखंड में है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका कर्नाटका का हाइएस्ट पीक कौन सा है तो कर्नाटका का जो हाइएस्ट पीक है वो है गिरी, आंसर इज बी और इसकी हाइट कुल कितनी है नाइन्टी थर्टी नाइन्टी थर्टी मीटर है इसकी कुल हाइट ओके जमपुई हिल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया जमपुई हिल रेंज पर लोकेटेड है तो ये देखिए ये लोकेटेड है त्रिपुरा में ये है त्रिपुरा का मैप और देखिए कुछ हिल्स दी हुई हैं जिनपे जमपुई हिल्स ये हैं ओके okay. त्रिपुरा की ये सारी हिल्स जो हैं ये त्रिपुरा की हैं और जमपुई हिल्स ये है इन विच ऑफ दैंड ऑफ इंडिया एंड एक्टिव एक्टिव वेल्कनो फाउंड किया गया है कहाँ पे तो ये बैरन आईलैंड में है बैरन लाइन आईलैंड की पोजिशन ये है अंडमान में है ये ओके अंडमान सी में ये लोकेटेड है और इट इज द ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वेलकनो ऑफ द इंडिया ओके विच ऑफ द फॉलोइंग देंशियन सिल्क रोड एनशियन सिल्क रोड में कौन सा पास है ये नाथुला है ये देखिए पोजिशन ये हमारा सिक्किम है नेपाल है ये भूटान है और ये हमारा ये नाथुला है ओके दिस पार्ट इज नाथूला और ये नाथुला इज लोकेटेड इन द एनशियन सिल्क रोड इंडो चाइना बॉर्डर पे ये है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेशर लेक कौन सा है तो ये है वुलर लेक व लेक है कहाँ ये देखिए पोजिशन वुलर लेक की है आपके ये जे एंड के में ओके वुलर लेक इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एशिया का भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है ओके okay. वेयर इज़ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट लोकेटेड चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है देखिए ये है चित्तौड़गढ़ और ये कौन सा राज्य है ये राज्य है, है राजस्थान ओके द चित्तौड़गढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया का जो लार्जेस्ट फोर्ट है उनमें वन है एक है ये और यूनेस्को हेरीटेज में आता है ये यूनेस्को हेरीटेज साइट में भी आता है ये और ये द फोर्ट वॉज कैपिटल ऑफ मेवार एंड इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे टाउन चित्तौड़ प्रेजेंट डे टाउन जो चित्तौड़ है वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट केव सिस्टम है जिसमें कुछ लॉन्गेस्ट uh, और कुछ डीपेस्ट केवस हैं वर्ल्ड की तो ये कहाँ पे है तो ये मेघालय में है ओके okay. ये मेघालय में है और मेघालय में कुल कितने केव्स हैं? पंद्रह सो अस्सी केव्स हैं है यहाँ पे ओके okay. और जिनमें से नौ सौ अस्सी को एक्सप्लोर किया गया है पूरा अच्छी तरह से बाई विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन एज इन द्लादेश बांग्लादेश में रिवर गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो बांग्लादेश में रिवर गंगा को नाम जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं पदमा और जमुना किसको कहा जाता है जमुना कहा जाता है ब्रह्म ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है जमुना और मेघना किसको कहा जाता है जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा आपस में जब मेल खा जाती हैं तब उसको मेघना कहा जाता है दैट इज जमुना एंड पद्मा जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो मेघना कहलाती हैं। और ये कहाँ होता है ये बांग्ला देश में होता है ये मेल कहाँ होता है बांग्ला देश में विच अमंग कौन सा है तो ये एट्टी टू डी एंड टू पॉइंट फाइव डिग्री ईस्ट है आंसर इज सी पारुवे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पर्वेता फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में आंसर इज बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रेफरेंस टू ग्रीन एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा अभी अभी न्यूज में है तो ग्रीन एंडकोंडा आर द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्नैक इन द वर्ल्ड यस ये लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हैं ग्रीन एनाकोंडास आर वेमनस बिल्कुल वेमनस जहरीले नहीं हैं ये जहरीले नहीं हैं ओके ये रॉन्ग है दे मोस्टली लिव इन रिवर्स एंड वेटलैंड इन साउथ अमेरिका बिल्कुल रिवर्स या वेटलैंड में रहते हैं ये जो अमेजोन रिवर है ना वहाँ पे पाए गए देखे गए ये तो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट Incorrect कौन सा है? ये नहीं है। ये नहीं okay. मतलब हिमस्खलन की बात कर रहे हैं तो तो ये टाइप्स ऑफ एवलांचे कौन कौन से होते हैं रॉक एवलांचे होता है आइस एवलांचे होता है डेवरिस एवलांचे होता है चलिए देख लेते हैं विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ सेटर्ड रॉक यस रॉक एवलांचे इसी को कहते हैं आइस एवलांचे में क्या होता है विच टिपिकली ऑकर इन दिसलिटी ऑफ ए ग्लेशियर यस ग्लेशियर की बात होती है उसमें मतलब जो आइस के पार पार्ट्स होते हैं कुछ नीचे गिर जाते हैं एवलांचे में डेबरिस एवलॉन्चे विच कंटेन ए वायटी ऑफ अनकोलीडेटेड मेटेरियल सच एज लूज स्टोन एंड सॉयल यस डेबरिस एवलॉन्चे में यही होता है जो सॉयल्स होती हैं स्टोन्स होते हैं वो नीचे गिरते रहते हैं ओके okay. तो इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवेन एब आर करेक्ट कौन से कौन से करेक्ट है ये सारे के सारे करेक्ट हैं तो ऑल द थ्री इट्स स्टेटमेंट्स आर करेक्ट That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.